सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पवन राजभर ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में सरकार से आरक्षण को 3 भागों में बांटने की मांग की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पवन राजभर ने कहा कि 2017 के चुनाव में पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जातिगत अनुपात के आधार पर आरक्षण की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मांगे पूरी नहीं की, जिसको लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा, हो सकता है, मतलब वो तो देखिए कर्मचारी है कि मतलब उसमें जो कुछ है उसके अंतर्गत जो है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि 27% आरक्षण का बंटवारा हो और 11 मई को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का वार्ता हुआ है, लेकिन इस पर कोई अभी तक सहमति नहीं जताई गई और हम लोग चाहते हैं कि 27% आरक्षण का बंटवारा हो, जिसमें सभी जातियों के बेटी बेटा को हक का अधिकार मिल सके। सरकार जो सरकार की विचारधारा चल रही क्या है कि चूँकि हमारा गठबंधन जिस मुद्दों को लेके हुआ उस पर आज तक कोई विचार विमर्श नहीं दिख रहा है, इस नाते हम लोगों को धरने पे बैठा गया है।